नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तनगुरिया। इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी इस इंटरव्यू सीरीज को आपका प्यार और इतना समर्थन मिला, इसके लिए बहुत आभार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी, जिनकी किताब 2019 हाउ मोदी वोन इंडिया पर हम आज चर्चा करेंगे। ये किताब हार्पर कॉलिन से आई है, हिंदी में भी ये किताब वाणी प्रकाशन से आ चुकी है। राजदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सही, आप इस किताब के जो टाइटल में लिखते हैं कि इफ द 2014 इलेक्शन चेंज इंडिया, 2019 में वेल हैव डिफाइंड व्हाट न्यू इंडिया इज लाइकली टू बी ऑल अबाउट। सो देयरफॉर माय क्वेश्चन, हाउ 2019 डिफाइन न्यू इंडिया? व्हाट इज न्यू इंडिया? व्हाट इज न्यू इंडिया? अच्छा सवाल है, ये नया भारत क्या है? मुझे लगता है दीपक, जी 2019 में मैंने ये किताब लिखी, हम 2020 के एंड में आज बात कर रहे हैं। देखिए कितना भारत बदला एक तरह से है पिछले 12-18 महीनों में, जब से ये सरकार दूसरी बार चुनकर आई, मोदी जी की सरकार। आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड इन कश्मीर, नो लॉन्गर देयर। आपने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। आपने सीए ले आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका काफी विरोध भी हुआ है। आपने अब नए कृषि को लेकर आप नए लॉज ले आ रहे हैं, न्यू फार्म लॉज आर बीइंग ब्रॉट। आप एक तरह से ये सब कुछ पार्लियामेंट के जरिए करवा रहे हैं, यानी पार्लियामेंट की मुझे नहीं लगता कोई जगह एक तरह से रह गई है। आप जो भी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आपके पास मेजोरिटी है। सुप्रीम कोर्ट को देखिए, हेबियस कॉर्पस के पिटिशन आते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, लोगों को जेल में रखा गया इतने महीनों से, इसके बावजूद नथिंग, कोर्ट डज नॉट इंटरवीन, सो देयर इज नो इंटरवेंशन फ्रॉम कोर्ट इन द केस ऑफ हेबियस कॉर्पस पिटिशंस। देयर आर क्वेश्चन मार्क्स देयरफॉर ओवर द सुप्रीम कोर्ट। मीडिया को आप देखिए, मीडिया डज नॉट चैलेंज द गवर्नमेंट, रेयरली रेजेस एनी क्वेश्चन। मेनस्ट्रीम मीडिया जो है, तो मीडिया पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो मैंने एक तरह से देखा है किस तरह से इंस्टीट्यूशंस वीकन हुए हैं, किस तरह से एक मेजोरिटी सरकार, आप हम कह सकते हैं मेजोरिटेरियन सरकार भी हमारे, वी आर फेसिंग, वी आर वर्किंग थ्रू अ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। एंड आई से इट इन द बुक, इट इज अ बिट ऑफ एन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, यू नो, बिकॉज यू हैव कम थ्रू एन इलेक्शन, यू हैव गॉट अ मेजोरिटी, बट अ मेजोरिटी डज नॉट मीन दैट यू डोंट वर्क विद अदर ग्रुप्स, द माइनॉरिटीज हु मे नॉट हैव वोटेड फॉर यू, और माइनॉरिटी ग्रुप्स मीनिंग इंडिविजुअल्स हु मे नॉट हैव वोटेड और ग्रुप्स हु मे नॉट हैव वोटेड। सो आई थिंक इंडिया has changed from 2019 onwards, because now you have not just a majority government, but in some ways a majoritarian government. And look, having a majority government can at times be useful because you can push through reform much faster. For example, you can take decisions much faster. It's not like a coalition government. But if a majority government becomes a majoritarian government, does not listen to voices other than or, aap kisi aur ki baat nahi sunenge, केवल अपनी बात रखेंगे, तो फिर वो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए खतरा भी होता है। सो मैंने जब न्यू इंडिया की बात कही, आई वॉज लुकिंग नया भारत जो है उसमें कहीं ना कहीं उसकी ताकतें भी है, देर आर स्ट्रेंथ्स ऑफ हैविंग अ न्यू, बट देर आर ऑल्सो वीकनेसेस। एंड आई डू राइट, मैंने एक नया आफ्टरवर्ड लिखा है इस पेपरबैक एडिशन में जो 2020 तक ले जाता है किताब को, जिसमें आपको अच्छा लगे किस तरह से लगे, लेकिन धीरे धीरे हम एक तरह से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आइडिया ऑफ अ हिंदू रिपब्लिक इन सम फॉर्म। एंड आई सॉ दिस फॉर एग्जांपल व्हेन यू नो द मैनर इन विच टुडे रिलीजन इज नाउ वेरी मच पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑफिशियल पॉलिटिक्स। एंड यू सॉ इट विद द राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन, भूमि पूजन जब हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपने एक तरह से एक रिलीजन को एक विशेष, एक स्पेशल प्लेस, एक विशेष दर्जा एक तरह से दिया है अपनी राजनीति में। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान पर सवाल उठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक पर, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, कोर्ट्स हो, मीडिया हो, इन पर भी सवाल उठते हैं और उठने चाहिए मुझे लगता है। हमारे जो इलेक्शन कमीशन हो, अन्य जो इंस्टीट्यूशन हो, आर्मी चीफ, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज मंदिर में खुले जाते हैं, ही सीन विद यू नो समथिंग व्हिच वाज नेवर, आर्मी ऑलवेज स्टेड आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ रिलीजन। सो यू आर सीइंग द मेकिंग ऑफ अ न्यू इंडिया इन डिफरेंट फॉर्म्स, माय फ्रेंड।
एक सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, कि हालांकि जो आपकी किताब का जो आठवां चैप्टर है वहां पे अपने सुनील बंसल को कोट करके लिखा भी है कि जो विपक्ष जो यूपी में जो विपक्ष का एक तरीके से उनकी राजनीति थी वो पूरी की पूरी सुनील बंसल कहते हैं एंटी मोदी थी। राजनीति मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि 1971 और 2020 के चुनाव में, क्योंकि वहां पर उनका नारा था गरीबी हटाओ, उनका नारा था इंदिरा हटाओ, इस दोनों में आप क्या एनालॉजी क्या सिमिलैरिटी आप पा रहे थे? मैं थोड़ा विस्तार से इस पर आपसे समझ रहा हूँ। देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो 71 और 2019 में एक बात साफ है कि आपके पास उस समय कांग्रेस और आज बीजेपी के पास एक ऐसा नेता था जिसकी देश भर में एक तरह से छवि बनी थी, एक क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन लीडर, एक ताकतवर नेता की, एक बाहुबली नेता की। इंदिरा गांधी की छवि 71 में वैसी बनी और मुझे लगता है 2019 में नरेंद्र मोदी जी की बनी। उसको लेकर एक तरह से जो नेता होता है वो पार्टी से बड़ा बन जाता है, लार्जर देन लाइफ बन जाता है। यानी लोग कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, पक्ष को भी नहीं देख रहे हैं, व्यक्ति को देख रहे हैं। तो ये जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन एक तरह से बन गया है, 71 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, कुछ हद तक आप कह सकते हैं 52 और 57 में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तब भी उनकी इसी तरह से की छवि थी। लेकिन उस जमाने में और भी बड़े नेता हुआ करते थे, राजा जी हो, अन्य आचार्य कृपलानी, कई बड़े बड़े नेता भी उस जमाने में, लोहिया हो नेहरू के जमाने में, इंदिरा के जमाने में भी दूसरी तरफ से कई बड़े नेता थे उनके खिलाफ, मोरारजी देसाई जैसे नेता, एक तरह जॉर्ज फर्नांडिस हो, कई नेता डांगे, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। आज क्या है, मोदी बनाम कौन, देर इज मोदी ओनली, जो मैं किताब में लिखता हूं टीमो फैक्टर, एक तरह से एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें और कोई दिखाई नहीं देता है। अगर विपक्ष भी है तो उसे इनविजिबलाइज किया जाता है क्योंकि आपकी पूरी पकड़ मीडिया पर है, आपकी मशीन बिल्कुल तैयार है और आपके पास धन दौलत है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जमाने में, तो मीडिया मनी मशीन मोदी, 4 M's, मैंने और भी M's की जिक्र किया, लेकिन इन चारों को लेकर आप 2019 का चुनाव एक तरह से वन मैन शो बन जाता है। और मैं उदाहरण भी देता हूँ, रायबरेली में कोई एक महिला बुजुर्ग महिला जाती है इलेक्ट्रल रोल में, देखती है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है, वो रायबरेली में चाहती है मैं वोट करूंगी वो कमल के फूल को नहीं, मैं वोट करूंगी मोदी जी को। और CSDS के सर्वे ने बड़ी बात कही है, उन्होंने जो पोस्ट पोल सर्वे किया है, बीजेपी के वोटर्स में एक तिहाई वोटर कह रहे थे शायद वो बीजेपी को वोट नहीं करते अगर मोदी जी नहीं रहते। यानी 33% बीजेपी का जो वोटर है कुछ लेवल तक वो केवल बीजेपी को वोट इस वजह से दे रहा था क्योंकि मोदी जी वहां कैंडिडेट थे और आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, यानी प्रेसिडेंशियल हो गया। और आप देखिए 2019 के बाद फिर हरियाणा हो, झारखंड हो, कुछ हद तक महाराष्ट्र, दिल्ली जरूर, और कुछ हद तक बिहार भी, बीजेपी या एनडीए का वोट घटा है। हरियाणा में तो 18-20% घटा, झारखंड में चुनाव हारे, वही चुनाव जो जनरल इलेक्शन में आम चुनाव में बीजेपी बड़े भारी बहुमत से जीती है। यानी एक मोदी फैक्टर जो है, जैसे 71 में इंदिरा फैक्टर हुआ करता था, वो कहते हैं हूँ गरीबी हटाओ, आज भी वही तरह से नारा लगता था कि वो कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं देश बचाओ। तो एक तरह से मोदी जी एक सेंट्रल फिगर बन गए जिसमें बाकी जो इश्यूज हैं, बाकी मुद्दे जो हैं, वो मुझे लगता है एक तरह से बैकग्राउंड में रह गए। और एक फर्क है, 71 में टीवी भी नहीं था, 71 में व्हाट्सएप नहीं था, 71 में इंटरनेट नहीं था, तो कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे वो थोड़े कम थे। आज देखिए कम्युनिकेशन के क्या माध्यम है, आप बिल्कुल एक लार्जर देन लाइफ फिगर प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन बना सकते हैं, मन की बात, इंटरनेट, आपके नमो एप्स, आप कहीं भी जाए एक तरह से होर्डिंग्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट हो, टीवी चैनल पर, प्राइम टाइम पर, मैंने स्टैटिस्टिक्स दिए है किताब में कि मोदी जी किस तरह से टीवी को मोनोपोलाइज कर रहे थे,
फिर वो अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू हो या किसी टीवी एंकर के, जब भी आप टीवी स्विच ऑन करते थे मोदी जी का चेहरा दिखता था, यानी फिर विपक्ष करे क्या? और जैसे मैंने कहा, कम से कम नेहरू जी के जमाने में या इंदिरा गांधी के जमाने में दूसरी तरफ बड़े नेता भी थे, आज वो भी नहीं है। ये मेरा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। आपने एक चैप्टर इसमें लिखा है राहुल गांधीज एनिग्मा, राहुल गांधी एक वही के तौर पर, और मुझे इस सवाल को मैं हालांकि बड़ा और लंबा कर सकता था, लेकिन मुझे आपका सीपीआर में जब आपकी मैं रिसर्च कर रहा था तो आपका एक कोट मिला और मुझे लगता है ये सवाल वही समाप्त हो जाता है। आपने कहा, राहुल गांधी हैज नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। 16वीं लोकसभा के मैं आंकड़े देख रहा था, उन्होंने 12 डिबेट में पार्टिसिपेट किया, एक भी क्वेश्चन आवर में सवाल नहीं पूछा, 51% उनकी अटेंडेंस थी। और जब भी मैं किसी कांग्रेस से सवाल पूछता हूँ, वो बार बार मुझसे ये बात कहते, दीपक राहुल गांधी इज द पंचिंग बैग ऑफ जर्नलिस्ट एंड लिबरल्स इन दिस कंट्री। आप इस सवाल को क्या देखते हैं? क्या वो तैयार नहीं है, जो आपको भी इरिटेट होकर जवाब देते हैं कि साहब 47 में नरेंद्र मोदी कहते, क्या परेशानी है? देखिए दीपक, 2014 की किताब में भी मैंने ये जिक्र किया था, राहुल गांधी नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, और मैं ये 2019 की किताब में दोहराता हूं, क्योंकि मुझे मैंने जो आंकड़े दिए हैं, ये केवल आंकड़े, आप डेटा पर जाइए ना, अगर आप एक भी सवाल पार्लियामेंट में नहीं पूछे हैं 5 साल में, आपका अटेंडेंस करीब क्या 50-60% तक है, मुझे लगता है 51%, यानी आधे आधे टाइम आप है भी नहीं पार्लियामेंट में, आप बड़े बड़े डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, बजट स्पीच में कभी आपने जवाब नहीं दिया, बजट सेशन आपने मिस किया, आप चले गए थे किसी एक तरह से आपने सबैटिकल ली थी जब बड़ा बजट सेशन हो रहा था, मुझे लगता है 2015 या 16 में, तो सवाल उठता है, आप विपक्ष के नेता नहीं बनते हैं। देखिए आप चाहते हैं कि लोग आपको एक तरह से मोदी जी का अल्टरनेटिव माने, लेकिन आप विपक्ष के नेता भी नहीं बनते हैं, लोकसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को करते हैं, तो सवाल तो जरूर उठेंगे ना। और यही तो अगर राहुल गांधी, मुझे लगता है आज की तारीख में, ये 2014 की किताब में मैंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार बनी, खासकर की सेकंड टर्म में, अगर राहुल गांधी वहां मंत्री बनते, खास करके अगर उनके इंटरेस्ट थे कृषि में या इंटरेस्ट थी एजुकेशन में, मंत्री बनिए तो दिखाइए किस तरह से आप मंत्रालय चलाते हैं। इंदिरा गांधी भी मंत्री बनी थी, ऐसा नहीं है कि आप मंत्री नहीं बन सकते क्योंकि आप गांधी नेहरू परिवार से केवल प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए दावेदार हैं। उसके बाद 2014-19 के बीच में आप विपक्ष के नेता बनते लोकसभा में, सरकार को लगातार कटघरे में रखते, जब डिमोनेटाइज नोटबंदी हुई, अगर आप सरकार को कटघरे में तब रखते, पार्लियामेंट में लगातार बात करते। आप देखिए आज क्या हो रहा है, 2019 के बाद भी इतने मौके हैं, चीन का मसला है, जिस तरह से सरकार ने कोविड हैंडल किए, आप अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल ट्विटर पर अपनी राजनीति करेंगे तो वो आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो 2400 घंटे राजनीति का की जरूरत है। देखिए आज शरद पवार जी का 80वां बर्थडे है, उस आदमी में भले कमियां हो लेकिन अभी भी राजनीति करते हैं 2400 घंटे, लोगों को सुबह शाम मिलते रहते हैं, 9 बजे से रात को 9 बजे तक कोई ना कोई मिलते रहते हैं, किसी ना कोई गांव से आता है, डिस्ट्रिक्ट से आता है, लगातार संपर्क रहता है, ये इसे कहते हैं राजनीति। अगर राहुल गांधी वाकई राजनेता होना चाहे तो आपके दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लोगों के लिए मिलिए, लोगों से जुड़िए, आंदोलन में पड़िए, तभी आप अपने आप को एक तरह से एस्टेब्लिश कर सकते थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे इलाहाबाद के मेयर बने थे, और वहां के जो जब कृषि आंदोलन हुए थे उस जमाने में, उन सब आंदोलन से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, एक ट्रेनिंग, एक ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग आपकी हुई थी, फिर आप पैराशूट नेता नहीं बन सकते। और राजनीति बदल गई, देखिए मोदी जी के बारे में जो भी आपके विचार हो, एक बात जानिए, नरेंद्र मोदी जी प्रचारक रहे, सेक्रेटरी रहे गुजरात में बीजेपी के, उसके बाद स्पोक्सपर्सन बने, जनरल सेक्रेटरी बने, कई आंदोलन से जुड़ गए, नवनिर्माण से लेकर इमरजेंसी, उसके बाद राम मंदिर आंदोलन, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं 12 साल, यानी एक ट्रेनिंग बनती है ना, जैसे आप किसी कंपनी के सीईओ बनते हैं, उसके पहले आप फैक्ट्री मैनेजर एक जमाने में थे। यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी पॉलिटिकल करियर में हुआ नहीं है, ये उनकी कमजोरी है, या आप नाकामी कहिए या सर्कमस्टेंसेस कहिए। देखिए कांग्रेस राहुल गांधी को मैं एक ये तो कहूंगा कि पूरे मैं उनको पंचिंग बैग नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए कांग्रेस की डिक्लाइन जो है 30-40 साल से हो रही है,
84 के चुनाव के बाद कांग्रेस को कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिली इस देश में। राजीव गांधी 89 में नहीं बना पाए, ना नरसिम्हा राव उसके बाद बना पाया 96 में, और लगातार कांग्रेस एक 2009 के चुनाव को छोड़कर एक गिरावट उनके सपोर्ट में आई है। यानी केवल राहुल गांधी व्यक्ति को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा, ढांचा जो है कांग्रेस का, ये ढांचा जो है ये कमजोर हुआ है लगातार। इसलिए मुझे लगता है आपको अलग तरह की नेतागिरी आप करनी पड़ेगी, 2400 घंटे नेता की नेतागिरी करनी पड़ेगी। राजदीप जी, ये सवाल मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि मैं मिलेनियल किड हूँ, मैं साल 2000 के अगस्त में पैदा हुआ था, और आपने एक एम में हम महामारी पीढ़ी का जिक्र भी किया है। मैं आपसे इस पर थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूँ कि जो हम मिलेनियल किड, हमारी जो पीढ़ी थी, जिस पर आप कहते हैं कि लॉस्ट है, वो मतलब एक एलिगेशन हमको लगता है, क्या कारण थे कि हम 70 बरस के नरेंद्र मोदी से रिलेट कर पाए, बरक्स उनसे 20 साल छोटे राहुल गांधी पर? मतलब ये इस पीढ़ी का इतना कनेक्शन क्या था, क्या रीजंस आपको लगते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, और एक इसका जवाब जो मैं अब, ये देखिए कॉम्प्लेक्स इश्यू है, लेकिन एक सीधा जो जवाब आता है, देखिए यंगर जनरेशन जो इस देश की है, जो मिलेनियल्स हैं, वो मेरिटोक्रेटिक इंडिया चाहते हैं। यानी लोग अपने काबिलियत पर अपनी 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 एक पहचान बनाए कि आपने जिस तरह से काम किया, मैं उसे कहता हूँ धोनीआइजेशन, जिस जो महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में दिखाया कि मेरे कोई बड़े कोई मैं किसी वंशवाद से नहीं आता, या मुझे कोई बैकर नहीं था, मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन मैं भारत का कप्तान बना, एक दिन रेलवे कलेक्टर था, दूसरे दिन भारत का कप्तान बना। वो जो स्टोरी है धोनी जैसी स्टोरी, वो लोगों को इंस्पायर करती है, खासकर की यंगर जनरेशन को, क्योंकि यंगर जनरेशन को लगता है कि जो भी बनना है, फिर वो IIT JEE की एग्जाम हो या नीट की एग्जाम हो या किसी IAS की एग्जाम हो, मैं मेरे बल पे ताकत में दिन रात मेहनत करके मैं कुछ बनना चाहता हूँ। मैं केवल मेरे परिवार, मैं किसी छोटे परिवार से आऊं, कहीं से आऊं, छोटे गांव से, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बनूंगा एक दिन। ये जो एक जज्बा है, उस जज्बे को कहीं ना कहीं मोदी जी ने कैप्चर किया है। ये जो चाय वाला की जो स्टोरी है वो बड़ी अट्रैक्टिव है। अब उस क्या वाकई मोदी जी ने चाय बेची या है या नहीं, इस पर सवाल है, लेकिन ये तो है कि एक छोटे गरीब परिवार से आए, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंच पाए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है एक बड़े प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए, ये उनकी यू कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर इट, वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, लेकिन एक लटियंस दिल्ली के एक चेहरे बने हैं, तो क्या उनमें वो काबिलियत है, क्या उन्होंने वो मेहनत की है, ये सवाल लगातार उठेंगे। तो जब भी आप ये कामदार वर्सेस नामदार जो बैटल मोदी जी ने जिस तरह से लोगों के सामने रखा है, उसमें जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं हमेशा कामदार व्यक्ति से जुड़ जाएगा, मुझे लगता है। ये जो नामदार पॉलिटिक्स है कि मैं ये जो वंशवाद की जिसे पॉलिटिक्स कहते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन लोगों का जो रिस्पेक्ट है, वाकई जो प्यार है, जो लगाव होना चाहिए, वो आपको इतनी आसानी से अब नहीं मिलेगा, खासकर की यंगर जनरेशन से। तो यही मैं इसी वजह से देखता हूँ, 70 वर्ष का मोदी जो है, उन्हें 18 और 21 साल के जो यंगर जनरेशन क्यों है, मतलब अब आप देखिए टेक्नोलॉजी ले लीजिए, मोदी जी ट्विटर पर, फेसबुक पर, अब इंस्टाग्राम वगैरह पर फ्रॉम डे वन थे, हमारा फेवरेट, बिल्कुल उन्होंने उसे एम्ब्रेस किया। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक तरह से, टेक्नोलॉजी से दूर रहे, ट्विटर पर मुझे लगता है 2014 के चुनाव के बाद 16 में आए, मुझे लगता है फेसबुक पर भी बाद में आए, पहले ऑफिस ऑफ और बिल्कुल बड़े फॉर्मल तरीके से बात करते थे सोशल मीडिया पर। अब तो थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन मोदी जी ने ये लगातार इसे नए टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया है। सो न्यू जनरेशन लाइक्स लीडर्स हु एम्ब्रेस न्यू थिंग्स, मोदी जी हैज दैट स्किल, यू कैन नॉट डिनाई हिम दैट। आपने मेरे और मेरी पीढ़ी के जो 20-21 साल के हैं उनकी पूरी सच्चाई रख दी, और आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को। मैं आखिरी सवाल पर राजीव जी आने से पहले एक बहुत छोटी सी निवेदन मेरी पीढ़ी और हम लोगों के लिए, अगर आप 2014 चुनाव जिसने भारत को बदल दिया, और ये दोनों किताब अगर आप पढ़ें, तो दशक भर के आपको अनुभवों को बहुत अच्छे सहेजने का मौका मिलेगा। और राजीव जी, इसका मैं आपके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था, 9th क्लास में था, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था। एक आखिरी सवाल, सातवीं में था जब 77 का चुनाव हुआ था, मैं पहली कक्षा में था जब 71 का चुनाव हुआ था,
जब 80 का चुनाव हुआ था मैं 10वीं कक्षा में था, लेकिन अगर आज मैं जाऊं कहीं किसी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, और पूछूं कि यार ये किताब है, वो किताब है, कोई इलेक्शन की किताब बहुत कम मिलते हैं, यानी 77 में इंदिरा गांधी क्यों हारी या 80 में क्यों जीत पाई, इस पर बहुत कम लिखा गया। तो मैं चाहता था कि आपका जनरेशन ही पढ़े, या मेरे बेटे का जनरेशन जो आपका जनरेशन है वो थोड़ा पढ़े, इसीलिए मैंने ये किताबें लिखी। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, डाटा से वो बैक स्टोरी का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, जो अब हमें इन दोनों किताबों से बहुत अच्छी तरह मिलेगा। थैंक यू सो मच। और टीवी से तो नहीं मिलता है जी, जी क्योंकि टीवी में तो सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज, आज की खबर कल का इतिहास बन जाता है जी। एक आखिरी सवाल पर राजनीति जब चलेंगे, उसके बाद इंटरव्यू हम रैप करेंगे। इस देश में जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हमें बार बार सिखाया गया, हमने बार बार किताबों में पढ़ा कि जाति नहीं जाती है, जाति नहीं जाती, वो हिंदी वाला जाति पढ़ा वाला ई का। आपने एक चैप्टर लिखा पॉलिटिकल हिंदू, मैं सवाल को बिल्कुल सीधा ऐसे ही रख रहा हूँ, क्या कारण था कि लोग अपनी क्लास को, अपनी कास्ट को छोड़ करके, एक जो आप कहते हैं कि आपने सीपीआर के में अपने अपने वक्तव्य में कहा था कि वो एक एथनिक आइडेंटिटी बन रही है, क्या ऐसा कारण था? दीपक ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है। देखिए मुझे, और इसको आप एक एक पीछे आपको इतिहास में जाकर उस परिपेक्ष में देखना पड़ेगा, क्योंकि 80 का जो दशक है खास करके, उससे ये बदलाव लगातार होता है, यानी 40 साल का ये सफर है। मोदी जी इज द फाइनल कल्मिनेशन, वी डोंट नो, और भी कोई हो सकते हैं, लेकिन ये 40 साल लगातार जिस तरह से एक हिंदू आइडेंटिटी असर्ट करने की कोशिश की गई है, जो 80 के दशक में हमने कई कई जगहों में देखा तब, और फिर राम जन्मभूमि का आंदोलन जिस तरह से उसने एक ऊर्जा पकड़ ली, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी का लगातार ग्राफ बढ़ता जाता है। ये देखिए 92 में किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कुछ दिन पहले, जब दिसंबर 6 की एनिवर्सरी थी, जब बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन हुई, उन्होंने कहा दिस वॉज द मोमेंट ऑफ हिंदू सेल्फ पिटी, यानी हिंदू बार बार के देखिए हिंदुओं का क्या हो रहा है, हम हिंदू जो है हमें हमें जगह नहीं मिल रही राजनीति में नहीं। हालांकि हकीकत ऐसी है कि मुसलमान की कंडीशन कोई इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन खास करके जिस तरह से शाह बानो वर्डिक्ट में मुस्लिम अपीसमेंट हुई, यानी जो वहां के जो मौलवी मौलाना जिन्होंने आंदोलन किया उनको जिस तरह से राजीव गांधी की सरकार ने एक तरह से उनको अपीस किया, उस सब का परिणाम उस 80 के दशक का खासकर जिसमें कई रायट्स भी हुए, एक दरार बड़ी समुदायों में, शायद वो दरार हमेशा थी लेकिन उसे उसे खुलापन एक मौका एक राजनीतिक एक विंडो मिल गया, और मुझे लगता है उसका एक नतीजा है कि आज उसे नॉर्मलाइज हुआ है। मुझे डर क्या है, आज जो बातें कही जाती है जिस अग्रेशन से कही जाती है उससे मुझे लगता है आपने एक एक तरह से वो जो समुदाय को डिवाइड करने की भाषा को नॉर्मलाइज किया है। एक जब लव जिहाद जैसी बात आजकल मैं सुनता हूं, और जिस तरह से कानून का मुझे लगता है गैर इस्तेमाल हो रहा है, संविधान का गैर इस्तेमाल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही है, वो डरावनी है, क्योंकि आपको एक तरह से राजनीतिक ताकत मिल गई है। और ये 40 साल का ये सफर है, कुछ कहेंगे उसके पहले भी आप 47 से जाइए पार्टीशन को देखिए, लेकिन मुझे लगता है 80s वाज द टर्निंग पॉइंट। उस डेकेड के बाद लगातार एक हिंदू सेंस ऑफ ऑफ फीलिंग आइसोलेटेड, फीलिंग अग्रीव एंग्री, एक हिंदुओं का जो गुस्सा है, और दूसरी तरफ इस्लामिक रेडिकलिज्म ऑल्सो ग्रू फंडामेंटलिज्म, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को एक तरह से री इन्फोर्स करते रहे। एंड दैट इज व्हाई एज आई कीप सेइंग हु आर द बेनिफिशियरीज, हैदराबाद में जब चुनाव हुए एक तरफ ओवैसी को जीत मिलती है अपने इलाके में और दूसरे इलाके में बीजेपी को जीत मिलती है। आई थिंक द सेक्युलर पार्टी, द सो कॉल्ड, मैं कहूंगा सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, क्योंकि उन्होंने भी धर्म निरपेक्षता को वाकई इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उनके कमजोरी उनकी विफलताओं को बीजेपी ने फायदा उठाया। एंड वी हैव मूव्ड फ्रॉम देयर, फ्रॉम नेहरूवियन सेक्युलरिज्म टू नाउ मोदी मेजॉरिटेरियनिज्म। दिस इज द जर्नी फ्रॉम नेहरूवियन सेक्युलरिज्म टू मोदी मेजॉरिटेरियनिज्म। नाउ दिस इज द जर्नी ऑफ न्यू इंडिया। ऑलराइट,
So the time goes on. Thank you, Mr. Sardesai. Thank you so much. It's a lovely talking to you. And I feel really blessed कि मैं आपसे बात कर पाया. मैं 2014 से आपको पढ़ रहा हूँ. Thank you so much, Mr. Sardesai. दीपक, मैं जब भी कोई यंगस्टर आपकी तरह किताबें पढ़ता और उसके बारे में बात करता है, बड़ी खुशी होती है. Keep going. Thank you very much for inviting me. नमस्कार.